तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने मीशो को ओपन किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पे रिटर्न और एक्सचेंज करने में। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो वीडियो के साथ रहना, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, वरना आप फिर कमेंट करेंगे कुछ बताया नहीं है, जैसा कि आप कर रहे हैं। अभी एक कमेंट आया था, आपने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा, आज वीडियो पूरा देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने मीशो को ओपन किया है। ये है मीशो का होम पेज और यहाँ से आप सर्च करके कुछ भी खरीद सकते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स आप ढूंढ कर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा पहले होता था, आप कुछ भी एक्सचेंज और रिटर्न कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने फ्रेंड्स पिछले दिनों इन पर एक वीडियो भी बनाया था। दो टी शर्ट्स लिए थे यहाँ पे, एक ये लिया था 158 का है और ये मैंने ऑर्डर किया था 10 बजे मॉर्निंग में 4 मई को और ये शिफ्ट हो गया था 5 मई को और डिलीवर्ड हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए 7 तारीख को, यानी 3 दिन के अंदर मुझे ये ऑर्डर मिल गया था। और यहाँ पे अब ये दिक्कत आ रही है, अगर दोस्तों इसे आप रिटर्न करना चाहते हैं तो ये रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे साफ लिखा है रिटर्न एंड एक्सचेंज आर नॉट अलाउड फॉर दिस आइटम, यानी कि इस आइटम का हम रिटर्न नहीं कर सकते और ना रिफंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसा ऑर्डर करते पे कहीं नहीं दिया गया था ये रिटर्न नहीं होगा, लेकिन अब ये लोग ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, दूसरी टी शर्ट मैंने ये मंगाई थी, ये मुझे 9 मई को मिल गई थी और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख लीजिए 9 मई को ये मिली थी और यहाँ पे भी रिटर्न और एक्सचेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही लिखा है रिटर्न एंड एक्सचेंज आर नॉट अलाउड फॉर दिस रीच आउट टू अस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अब कह रहे हैं यहाँ पे हेल्प सेंटर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये एक्सचेंज होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स, आप पहले देखा होगा अपडेट से पहले, यहाँ पे हम खुद से रिटर्न या एक्सचेंज कर लेते थे, अब वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है। अगर हमें यहाँ पे रिटर्न या एक्सचेंज करना है तो हेल्प सेंटर जो ऐप में नंबर दिया गया है वहाँ कस्टमर केयर, वहाँ से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये एक्सचेंज और रिटर्न होगा। तो ये समस्या आ रही है फ्रेंड्स, अगर आप मीशो से ऑर्डर करते हैं तो आपको भी ये समस्या आ सकती है रिटर्न और एक्सचेंज करने में। अगर आपको ऐसा कुछ समस्या आती है तो आप पहले इनके कस्टमर केयर का जो नंबर है आप उस पर बात कर लीजिए। अगर आपको बात का वो नंबर नहीं है और आपने कभी उस नंबर से बात नहीं की है तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के एंड कार्ड में 2 वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से कस्टमर केयर बात कर सकते हैं। दोनों वीडियो को देख लेना और कस्टमर केयर बात कर लेना, उनसे जो भी आपको समस्या आ रही है एक्सचेंज और रिटर्न करने में वो बताना, आपका आइटम हो सकता है एक्सचेंज और रिटर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ऑर्डर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, शायद ये सस्ते हैं इसलिए ये एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। और ये देखिए, ये तो करीब 148 की थी, ये इतनी सस्ती भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये 209 रुपये की पड़ी ये वाली टी शर्ट, तो ये रिटर्न नहीं हो रही है। यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया है, ये देखिए रिटर्न यहाँ पर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेना।